अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। दोस्तों, आज जो रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जो है उन हमारे दोस्तों भाइयों के लिए है जिनकी उम्र जो है वो 50 साल तक हो, यानी कि 50 साल से ज़्यादा ना हो। तो वो हमारे भाई, हमारे दोस्त हजरात जिनकी उम्र 50 साल तक हो और वो पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों, तो इस रिश्ते को वो ज़रा गौर से सुने। तो ये जो खातून है जिनका रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनका नाम है सायरा बीबी। सायरा जो है इस वक्त जो है इनकी उम्र है 40 साल, 40 इयर्स इनकी एज है। मुसलमान है, फिरका सुन्नी है, और सायरा जो है ये एक तलाक याफ्ता खातून है। इनके शोहर ने जो है इनको छोड़ दिया था, तकरीबन जो है उसे 2 साल या 2.5 साल का अरसा हो गया है इनको अपने शोहर से अलहदा हुए। तो सायरा जो है इस वक्त अपने वालदैन के घर पे रहती हैं। इनकी तालीम जो है ये FA है, यानी कि 12 जमात पास हैं। इनकी जो हाइट है वो 4 फुट और 11 इंच है। तो फिरका जो है इनका सुन्नी है, और जो कास्ट है इनकी ये गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। और इस वक्त जो है ये रावलपिंडी सिटी में जो है अपने वालदैन के साथ रहती हैं। एक बेटी है इनकी और वो बेटी भी इन्हीं के साथ रहती है। तो अच्छे घराने से इनका ताल्लुक है, काफ़ी समझदार फैमिली है, अच्छे लोग हैं। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 50 साल तक हो और वो पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों, मुसलमान हों, ज़ात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हों, तो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप शादी के मामले में सीरियस हैं और चाहते हैं जो है शायरा या इसके घर वालों से जो है शादी के बाद बात करना, तो ज़रा जल्दी से अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपसे रब्ता कर लेंगे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें। शुक्रिया।